एक्टिव फैमिली। चलिए फिर आज हम लोग देखेंगे माता का 9 दिन का पूजा में 9 रंग का वस्त्र कौन कौन से हमें धारण करना चाहिए। और सब वीडियो के लास्ट में मैं सबको ये भी बताने जा रही हूँ कि अगर हमारे पास ये 9 रंग के वस्त्र ना हो या ना पहनना चाहते हो, कम समय है हमारे पास, तब हम कौन सा वस्त्र धारण करके पहने कि 9 दिन के स्वरूपों का फल हमें प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से हम जानेंगे। जैसे कि माता प्रथम माता के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का है, तो उनका रंग है पीला रंग। तो उनका जब हम पूजा करेंगे तो इस तरह से पीले रंग का वस्त्र धारण करके फिर पूजा करेंगे। और इसी तरह से माता के दूसरे स्वरूप, माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माता का। तो ब्रह्मचारिणी माता का पूजा का कलर है ब्रह्मचारिणी माता का ग्रीन कलर। तो उस दिन दूसरे दिन जब हम पूजा करेंगे तो ग्रीन कलर का वस्त्र धारण करके फिर पूजा करेंगे। तीसरे स्वरूप के दिन माता चंद्रघंटा के पूजा में हम लोग इस तरह से ग्रे कलर का साड़ी पहन करके पूजा करेंगे। माता का चौथा स्वरूप है माता कुष्मांडा का। तो माता कुष्मांडा का कलर है ऑरेंज कलर। तो माता कुष्मांडा का पूजा हम लोग ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करके करेंगे। माता का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। स्कंद माता का पूजा का कलर, स्कंद माता का कलर है व्हाइट। तो जब हम पांचवें स्वरूप का पूजा करेंगे, मतलब पांचवें दिन के पूजा में हमें व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए। और देखिएगा, बिल्कुल प्लेन व्हाइट से बचिएगा, थोड़ा मिक्स हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा मिक्स वाला व्हाइट कलर का साड़ी भी डाल सकते हैं। और माता के छठे स्वरूप माता कात्यायनी का है। तो माता कात्यायनी का कलर रेड है। तो माता कात्यायनी का पूजा हम लोग लाल रंग के वस्त्र धारण करके फिर पूजन करेंगे। और माता का सातवें स्वरूप है माता कालरात्रि का। तो माता कालरात्रि का पूजा हम लोग ब्लू कलर के वस्त्र धारण करके फिर करेंगे। और माता के आठवां स्वरूप, जैसा कि आठवां स्वरूप है महागौरी माता का, तो माता का आठवां स्वरूप महागौरी माता का पूजा हम लोग गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके करेंगे। तो माता के आठवें स्वरूप का पूजा महागौरी माता का पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके करेंगे। और माता के नौवें स्वरूप, जैसा कि हम लोग जानते हैं माता का नौवां स्वरूप है सिद्धिदात्री माता। सिद्धिदात्री माता का पूजा बैंगनी कलर, पर्पल कलर के वस्त्र धारण करके किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग नौवें दिन पर्पल कलर बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करेंगे। अब हम जानेंगे, ये हो गया 9 दिन के 9 रंग, और 9 रंग के वस्त्र धारण करके हम पूजा करेंगे तो ज्यादा फलित होगा। अब बात होता है कि वर्किंग है, पूजा का भी काम, घर का भी काम, ड्यूटी सब कुछ, या अगर घर में भी हैं, छोटे बच्चे हैं, उसका काम, ड्यूटी का काम, अपने हस्बैंड का ड्यूटी का काम, घर का, नहीं पॉसिबल है कि हम अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। तब आप क्या करेंगे, आपके पास अगर समय कम है तो आप एक ऐसा साड़ी पसंद कीजिए जिसमें येल्लो भी हो, रेड भी हो, ऑरेंज भी हो, ग्रीन भी हो, व्हाइट भी हो। देखिए इसमें ऑलमोस्ट सभी कलर है 9 दिन का, ब्लू छोड़ करके, शायद ब्लू नहीं है, हाँ ब्लू छोड़ करके बाकी सारा कलर इसमें है। तो आप इस तरह से एक कोई ऐसा साड़ी पसंद कर लीजिए और उस कलर का वस्त्र धारण करके भी आप पूजा कर सकते हैं। खास करके चुंदरी प्रिंट तो बहुत ही शुभ होता है, मुझे तो चुंदरी प्रिंट बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप चुंदरी प्रिंट का साड़ी पहन करके पूजा कीजिए और माता को प्रसन्न कीजिए। तो इस तरह से आज हम जाने कि माता के 9 दिन में 9 रंग के वस्त्र धारण करके हम कैसे कौन कौन से रंग के वस्त्र धारण करेंगे, 9 दिन पूजन करेंगे। और एक मेरा वीडियो है जिसमें मैं बताई हूँ कि माता का 9 दिन में 9 रंग के कौन कौन से भोग माता रानी को प्रिय है। तो उस पर भी मेरा वीडियो है, तो आप लोग उसको भी चेकआउट करके देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ आपके घर में है। जैसे साड़ी भी, कपड़े भी, ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी के घर में सभी रंग के वस्त्र होते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ जानने का ज़रूरत है कि किस दिन कौन सा रंग का वस्त्र धारण करेंगे। तो अब उम्मीद है जानकारी आप लोगों को मिली होगी, और थोड़ी सी भी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसी तरह के कुछ नए वीडियो में। तब तक आप लोग भी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और माता रानी की सेवा करते रहें।